अस्सलाम वालेकुम जी, आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। आज हम रोस्टेड फिश बनाने के लिए जा रहे हैं। ये बोनलेस फिश ली है जी, दो फिले लिए हैं इसके। अब इसको रोस्टेड मसाला लगाते हैं और आपको दिखाते हैं जी। ये जी मसाला ऐड किया है, ये वाला मसाला लिया जी, मेहरान का फिश फ्राई मसाला ले लिया है। इसमें थोड़ी सी अजवाइन खुद से ऐड कर दी है जी। थोड़ी सी दड़ा मिर्च खुद से ऐड की है। ऑयल थोड़ा ऐड कर रहे हैं इसमें। इसका जो है ना मसाला बहरान वालों का बहुत अच्छा है जी, इससे फिर जो लगा कर जो है ना वो बहुत प्यारा टेस्ट बनता है। थोड़ा सा पानी ऐड किया इसमें। ये देखें जी, इसको मसाला लगा रहे हैं। माशाल्लाह देखें जी, कितने कितने बड़े पीस हैं इसके। जी हमारी कढ़ाई है छोटी, तो ब्रोस्टेड के पीसों के फिले को जो है ना हमने दो दो पीसों में कर लिया। मैदे में थोड़ा सा नमक और डाल दिया इसमें अच्छी तरह, इसको जो मैदा लगाकर। बहुत इजी है जी इसकी ब्रोस्टेड फिश बनानी, बहुत इजी है। अब देखते जाए इसका जो है ना सारा, इसका कैसे ऐसे जो है ना मैदा मल रहे हैं अच्छी तरह ना, वो मसाले के ऊपर अच्छी तरह जो है ना इसको देखें, हाथों के साथ उंगलियों के साथ इसको जो है ना मैदे के अंदर जो है ना हल्का हल्का जैसे गूंदते हैं, गूंदा जा रहा है। गूंद के एक दफा हल्का हल्का झाड़ लेते हैं, जहां से फिर दोबारा जरूरत होती है फिर लगा लेते हैं। हल्का से झाड़ लिया इसको अच्छी तरह से, पानी में डिप कर दिया जी, ठंडा पानी है ये फ्रिज का। दोबारा अच्छी तरह जो है ना फिर दोबारा से मैदा मैदा सारा इसका जो है ना ऊपर अच्छी तरह ये देखें मला जा रहा है। नहीं, इसको इसके अंदर ना फ्राई करने के लिए डाल दिया। ये दूसरा पीस रख दिया जी, फर्स्ट पीस ये हो रहा है। अभी इसको चम्मच नहीं मारना, इसकी कोटिंग सारी उतर जाएगी। तीन से चार पाँच मिनट इसको पड़ा रहने दें, पाँच मिनट के बाद इसको दोबारा साइड इसकी टर्न करेंगे। ये देखिए मसाला कैसा लगा हुआ है, इसको तीन घंटे मसाला लगा के फ्रिज में रख दिया था, तो मसाला अच्छी तरह फ्रिज के अंदर चला गया है। साइड चालू कर दिया जी।
ये चेक कर रहे हैं अंदर से हो गई है, थोड़ी सी अगर कसर रहती है जब ये मारेंगे छुरी से ना तो हल्का सा पानी की आवाज़ आएगी, थोड़ी सी देर भी और होने वाली है। ये रेडी हो गई है, निकालने लगेगी। ये देखा जी हो गई है, अब इसको निकाल रहे हैं। बहुत आला जी फ्राई हुई है, बहुत ही आला, बहुत क्रिस्पी कोटिंग बनी हुई है इसके ऊपर की। ये दोबारा दूसरे पीस को अच्छी तरह पानी से कोटिंग करके, और अब इसे मैदे की कोटिंग की जा रही है। पानी में 4 से 5 सेकंड डिप करना, ज़्यादा नहीं करना। फ्राइज आ गए, फिश आ गई, और साथ ब्रोस्ट जो है ना, ब्रोस्ट फिश के साथ स्लाइस अच्छे लगते हैं जी। सर ड्रिंक रख दी है जी इसके, चलो जी बहुत अच्छी बन गई, आप टेस्ट करके बताते हैं जी। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े की बनी हुई है, बहुत गर्म है जी, मेरा तो हाथ नहीं लग रहा, मैं थोड़ी कोटिंग खाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी बनी है भाई, कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है जी, बहुत मज़े की बनी है। आप भी अपने घर में बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ब्रोस्टेड फिश कितनी आसान है बनाने में, कोई इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी बनानी है। मसाला लगाया जस्ट और मैदा लगा के फ्राई कर लिया हमने, कोई इसको ज़्यादा देर हमने रखा भी नहीं, मसाला लगा के 2-3 घंटे सिर्फ उसी वक्त लगाया मसाला, रखा है, फ्राइज बनाए हैं और उतनी देर में मैदा शैदा बनाया और इसको निकाल के फ्राई कर लिया। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं आप नेक वीडियो में आपके साथ, खुदा हाफिज़।